आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जीटीएल इंफ्रा और साथ में डिस्कस करेंगे एचएफसीएल स्टॉक के बारे में। इस समय आप देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं एयरटेल, एचएफसीएल और आइडिया, वोडाफोन भी इवन बेहतर कर रही है, लेकिन जीटीएल इंफ्रा में अभी भी ट्रेंड देखेंगे तो काफी निगेटिव दिख रहा है। इस समय डिलीवरी देखें तो इस स्टॉक में 50 to 70% तक की डिलीवरी दिख रही है। और अगेन हमने कहा कि 1.80 रुपीज का रिजेक्शन दिखा तो 140-130 तक के लेवल्स दिखेंगे। ये अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है जहां रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है और यहां से 200% तक के रिटर्न विद इन मैक्सिमम 3 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं 1.80 रुपीज का एक मेजर 80 पैसे का एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर ट्रेंड काफी कंटिन्यू दिख सकता है। दूसरा स्टॉक है एचएफसीएल। एचएफसीएल में 5G को लेकर के काफी सारे न्यूज ट्रेंड हुए और हमने अभी देखा कि 447 करोड़ के अगेन ऑर्डर आते हुए दिखे रेलटेल के साथ। और इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे फंड रेज किए गए जहां प्रमोटर नॉन प्रमोटर को शेयर इशू किए गए। इससे पहले भी हमने ऑप्टिकल फाइबर के ऑर्डर देखे जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके बाद इसके चार्ट को देखें तो जीटीएल में अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर बचेंगे बाइंग करने से, जो लॉन्ग टर्म है वो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एचएफसीएल में स्ट्रांगली एक बाइंग रिकमेंडेशन दिख सकती है जहां देखेंगे कि एक मेजर सपोर्ट के प्राइस पे ट्रेड हो रही है। और इस स्टॉक में देखें तो 68 के नियर अराउंड यानी 20 एमए के नीचे के एसएल को फॉलो करके 90 to 100 तक के लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और एज पर एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट मंथ में इस स्टॉक में देखें तो 100 प्लस तक के लेवल्स इजीली दिख सकते हैं। आरएसआई 51 के आसपास का है, ट्रेंड काफी विजिबल कंटिन्यू अप ट्रेंड दिख सकता है।